स्वागत है सबका सादा माटा द सिंपल रेसिपी विद देसी तड़का में। हमारी शेफ है मीरा। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक हेल्दी वाली रेसिपी बनाते हैं। हमारी आज की रेसिपी का नाम है मेथी साग फ्राई। वैसे तो दोस्तों मेथी साग बहुत ही फेमस है, इसको कई तरीक़ों से बनाया सकते हैं, आज मैंने एक तरीका दिखाया है। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। तो यहाँ पे मेथी साग ले लिया है जिसको बिल्कुल बारीक काट लिया है और धो के रखा है। इसी के साथ ग्रीन चिलीज ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हम सुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ हम ले लेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। और इसके लिए हमें चाहिए बैंगन यानी कि ब्रिंजल, जिसको इस तरह से काट के रखा हुआ है। और क्योंकि फ्राई करने वाले हैं तो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले गैस को ऑन कर दिया और कढ़ाई बिठा दी है हमने, और इस कढ़ाई में दे देते हैं हम ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम दे देते हैं बैंगन। बैंगन को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने दे दिया है हल्दी पाउडर, और इसी के साथ हम दे देते हैं थोड़ा सा नमक। तो लीजिए, अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरे बैंगन में हल्दी और नमक अच्छी तरह से लग जाए। लीजिए, हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से पूरी तरह से पकने तक फ्राई करेंगे। पक चुका है हमारा बैंगन। अब इसके बाद हम मेथी, जिसको हमने धो के रखा था, वो दे देते हैं, और बैंगन के साथ इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, मैंने इस तरह से चला के बैंगन को मिक्स कर लिया है। अब इसमें दे देंगे हम नमक। नमक का इस्तेमाल ध्यान से कीजिएगा। हल्दी पाउडर, नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, इसलिए आप जब भी नमक दीजिएगा ध्यान रखिएगा नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम दे देते हैं ग्रीन चिलीज, और इसी के साथ थोड़ा सा चीनी का भी दे देते हैं। अब हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा साग था इसमें से कितना पानी निकल आया है। हमने ज़्यादा पानी, बाहर से कोई पानी यहाँ पे नहीं दिया है। देखिए, ये जो पूरा सब्ज़ी था ये धीरे धीरे से पकने लगा है। फिर से ढक के मैंने रखा था। अब देख सकते हैं आप, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा थोड़ा करके स्टिक होना बंद हो रहा है। तो इसी तरह से हमें पकाते रहना है और चलाते रहना है ताकि ये जो साग है ये किसी भी तरह से नीचे से लग ना जाए। देखिए, स्टिक करना बिल्कुल बंद हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और निकाल लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। रेसिपी बहुत ही हेल्दी है दोस्तों, अपने घर में ज़रूर बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।